दोस्तों क्या आप चाह रहे हैं आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर करना, तो आप कैसे करेंगे? पहले होता यह था कि यदि आप किसी भी फ्रेंड को अपना फोन पे रिफर करते थे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली फोन पे कैश बैक मिलता था जो कि आपके फोन पे वॉलेट पे शो होता था। लेकिन यहाँ पे फोन पे अपडेट आने के कारण यहाँ पे यदि आप रिफर करते हैं, रिफर करने के बाद आपका दोस्त किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे 1 रुपया ट्रांसफर करता है तो आपको यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड मिलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड पे 100 रुपये शो हो रहे थे। जैसे मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये शो हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप अपने फोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को आप अपने बैंक तक कैसे ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 मेथड बताने वाला हूँ। कुछ मेथड में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे लेकिन कुछ मेथड में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए, इसके लिए आपको अपना फोन पे का होम स्क्रीन ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक वेल्थ का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गोल्ड का एक सेक्शन शो हो जाएगा, आपको गोल्ड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप गोल्ड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। जैसे आपके सामने इस तरह के पेज आ जाता है, आपको यहाँ पे बाय वन टाइम पे क्लिक करेंगे। जैसे बाय वन टाइम पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे बाय इन रुपीज पे आपको क्लिक करना होगा और आपके में जितना भी यहाँ पे फोन पे गिफ्ट कार्ड पड़ा हुआ है उतना अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे 100 रुपये है तो मैं यहाँ पे 50 रुपये ही डालता हूँ। 50 रुपये यहाँ मेरे फोन पे गिफ्ट कार्ड में ही रहेगा। 50 रुपये डालने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको नीचे एक डन का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करें, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ी यहाँ पे लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, स्लो होने के कारण कुछ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह का पेज। आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पेमेंट मेरा कैशबैक फोन पे गिफ्ट कार्ड से हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको पे क्लिक कर देते हैं। जैसे पे पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे में यहाँ पे गोल्ड परचेस हो चुका है। यह गोल्ड एक डिजिटल गोल्ड होता है। डिजिटल गोल्ड होने के बाद आपको करना क्या, डन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको जैसे आपका 24 से 48 घंटे हो जाता है, इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा यहाँ पे मैनेज योर लॉकर पे। जैसे आप मैनेज योर लॉकर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सेल गोल्ड का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको सेल गोल्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेल गोल्ड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सेल इन ग्राम पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेल इन ग्राम पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ऊपर ग्राम शो हो रहा है 00, यहाँ पे आपको डालना होगा 0.0079। जैसे आपका जो ऊपर जो सेल सेफ गोल्ड पे शो हो रहा है 7.00079, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है गोल्ड की यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डन पे क्लिक करते हैं, सेल गोल्ड पे क्लिक करेंगे। सेल गोल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट एड है, इस पर मेरा बैंक अकाउंट पे मेरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस देना पड़ता है, यदि आप चार्जेस नहीं देना चाहते तो इसके लिए आपको करना होगा अपने फोन पे के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे आप अपने फोन के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, फोन पे के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं उससे। यदि आपको मोबाइल रिचार्ज भी नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा स्कैन एंड पे पे। स्कैन एंड पे पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देखने के बाद यहाँ पे आपको अगर बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको किसी भी मर्चेंट अकाउंट पे आपको फोन पे के आपको ट्रांसफर कर देना होगा। तो ट्रांसफर करने के लिए करना क्या होगा कि आपको मार्केट में जाना है या पेट्रोल पंप पे, जहाँ आपको फोन पे के QR शो हो रहा है उस पर डायरेक्टली आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप वहाँ पे डायरेक्ट अपने फोन पे वैलेट के गिफ्ट कार्ड बैलेंस को भी ट्रांसफर कर पाएंगे। यहाँ पे आप पेट्रोल डलवा सकते हैं या आप किराना शॉप में या कहीं भी आपका कोई शॉप है या आपका फ्रेंड का शॉप है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफर करके आप 0 कॉस्ट पे आप वहाँ पे अपना पैसा ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल टिंकर राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।